हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गर्मी के लिए ठंडा ठंडा ढेर सारा फ्रूट्स डाल के बनाएंगे, फ्रूट कस्टर्ड एंड ढेर सारा फ्रूट्स डाल के बनाएंगे हम श्रीखंड। दोनों की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम बनाएंगे फ्रूट कस्टर्ड। तो फ्रूट कस्टर्ड के लिए हम सबसे पहले एक बड़ा पतीला में 4 कप भर के दूध डाल देते हैं। तो दूध भी मैं कप में भर के डालूंगी ताकि आपको भी पता चले कि कस्टर्ड में कितनी चीजें डालना है। तो मैंने 4 कप दूध भर के ये बर्तन में डाल दिया है। अभी हम डालेंगे उसमें 1/4 कप का मेजरमेंट लेके शुगर। शुगर की मात्रा आप अपना हिसाब से डाल सकते हो, फ्रूट्स भी आएंगे ना, तो शुगर हम कम डालेंगे। उसके बाद मैं डालूंगी 1/2 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से क्या होता है, कस्टर्ड गाढ़ा भी बनता है और रबड़ी की तरह एकदम मलाईदार कस्टर्ड बनता है। तो मिल्क पाउडर डाल के अच्छे से दूध को मिक्स करके हम ये दूध को गर्म करने के लिए रखेंगे। गाढ़ा होने तक हम ये दूध को पकाएंगे। तो ये साइड हमारा दूध गर्म हो रहा है ना, तब तक हम कस्टर्ड में डालने के लिए कॉर्न स्टार्च भी एक बाउल में ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है कॉर्न स्टार्च। तो 4 कप दूध लिया है ना, तो 4 चम्मच भर के हमको कॉर्न स्टार्च लेना है। तो मैंने 4 चम्मच भर के कॉर्न स्टार्च एक बाउल में ले लिया है। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप का मेजरमेंट लिया है ठंडा वाला दूध। तो 1/2 कप दूध हम उसमें डाल के अच्छे से स्मूथ बैटर बना के हम दूध में डाल देंगे। और यहाँ पे मैं कस्टर्ड में डालने के लिए ले रही हूँ वेनिला एसेंस। तो 1/2 स्पून जितना वेनिला एसेंस में डाल रही हूँ। उसके बाद मैं डालूंगी सेफ्रॉन। कलर के लिए मैं केसर डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स करके हम ये कॉर्न स्टार्च का बेटर हम दूध में डाल देंगे। तो दूसरी साइड भी हमारा दूध अच्छे से पक रहा है, उसको भी हिलाना है क्योंकि मिल्क पाउडर डाला है ना, तो नीचे भी जल सकता है। तो यहाँ पे हमारा दूध में उबाल आ गया है, मतलब दूध हमारा गाढ़ा होने लगा है। मिल्क पाउडर डालने से दूध गाढ़ा भी होता है और दूध टेस्टी भी बनता है। और ये कस्टर्ड बनाने के लिए मैं जो घर पे सीजे होती है ना, उससे कस्टर्ड बना रही हूँ। तो आप देख सकते हो मिल्क पाउडर डाला था ना, तो कलर भी थोड़ा सा येलो टाइप का हो गया है दूध का। तो मिल्क पाउडर एंड दूध को मैंने अच्छे से पका लिया है। अभी हम क्या करेंगे, उसमें डालेंगे कॉर्न स्टार्च का बेटर। तो गैस मैंने एकदम लो कर दिया है, लो फ्लेम पर हम एक कॉर्न स्टार्च का बेटर डालेंगे और अच्छे से हम मिक्स करेंगे, नहीं तो उसमें लम्स भी बन सकता है। जब भी आप कॉर्न स्टार्च का बेटर दूध में डाले तभी अच्छे से मिक्स करते जाना है और डालते जाना है, नहीं तो उसमें लम्स भी बनेगा। और यहाँ पे मैंने गैस एकदम लो कर दिया है। तो कॉर्न स्टार्च का बेटर डाल के अच्छे से हम मिक्स करेंगे। कम से कम 7 से 8 मिनट तक हम एकदम लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो ये कस्टर्ड बनाने के लिए जो मैंने बर्तन लिया है ना, वो नॉन स्टिक है। अगर स्टील या एल्यूमिनियम के बर्तन में आप कस्टर्ड बना रहे हैं ना, तो कंटिन्यू आपको मिक्स करना है, नहीं तो नीचे बैठ भी सकता है और जल भी सकता है। तो ये नॉन स्टिक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं कम से कम 7 से 8 मिनट तक ये कस्टर्ड को मिक्स करूंगी कॉर्न स्टार्च का बेटर डालने के बाद। उसके पहले मैंने 7 से 8 मिनट तक दूध को गर्म किया था, मिल्क पाउडर या शुगर डाला था ना, उसके बाद 7 से 8 मिनट तक मैंने दूध को मिक्स किया था। तो कम से कम 20 से 25 मिनट जितना टाइम लगेगा एक कस्टर्ड को पकाने में। तो यहाँ पे मैंने कस्टर्ड को अच्छे से मिक्स कर लिया है, एकदम स्मूथ मैंने बना लिया है, बिल्कुल उसमें लम्स नहीं बना है। तो हम लो फ्लेम पर ये कस्टर्ड को पकाएंगे ताकि कॉर्न स्टार्च का फ्लेवर ना रहे। तो ये कस्टर्ड में हमने वेनिला एसेंस भी डाला है, तो फ्लेवर भी बढ़िया आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा कस्टर्ड परफेक्ट पक चुका है। तो हम गैस बंद करके ये कस्टर्ड हम एक बाउल में ले लेंगे। तो यहाँ पे हम ये कस्टर्ड को ठंडा करने के लिए रखेंगे, उसके बाद हम उसमें फ्रूट्स डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है ढेर सारा फ्रूट्स, आप उसमें से कोई भी डाल सकते हो जो आपको पसंद है। तो मैंने ढेर सारा फ्रूट्स को कट करके रेडी कर लिया है। तो सबसे पहले लिया है कट किया हुआ मस्त मीठा वाला मैंगो। उसके बाद लिया है मैंने बनाना। उसके बाद मैंने लिया है एप्पल। उसके बाद मैंने लिया है पेर जो बहुत मीठे होते हैं। उसके बाद लिया है स्ट्रॉबेरी। उसके बाद मैंने ऑरेंज के ऊपर से स्किन निकाल के उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। उसके बाद लिया है ब्लूबेरी।
उसके बाद मैंने काली द्राक्ष भी लिया है, तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट टाइप का ढेर सारा फ्रूट्स लिया है, बट एक से दो फ्रूट्स है ना तो भी हमारा कस्टर्ड अच्छा ही बनेगा। जो फ्रूट्स आपको डालना है वो आप डाल सकते हो। और 1 घंटे के लिए मैंने कस्टर्ड को ठंडा होने के लिए रखा था, तो यहाँ पे हमारा कस्टर्ड ठंडा हो गया है, गाढ़ा भी हो गया है। तो जब भी आपको कस्टर्ड को सर्व करना है ना, तब भी उसमें फ्रूट्स डालना है। फ्रूट डालने के बाद जो कस्टर्ड को रखेंगे ना, तो कस्टर्ड पतला भी हो जाता है। तो खास करके ये कस्टर्ड को फ्रिज में रख दीजिए ठंडा होने के लिए, उसके बाद सर्व करना है तभी फ्रूट्स डाल के सर्व कर लीजिए। और यहाँ पे मैंने कस्टर्ड को अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हो एकदम गाढ़ा हमारा कस्टर्ड बन गया है। तो हम उसमें डालेंगे ढेर सारा फ्रूट्स। तो सबसे पहले डालेंगे मस्त मीठे वाले मैंगो, तो आधा कप का मेजरमेंट है ये बाउल का, तो मैंने आधा आधा कप फ्रूट्स लिया है। उसके बाद डालेंगे कट किया हुआ स्ट्रॉबेरी, उसके बाद डालेंगे कट किया हुआ बनाना, उसके बाद डालेंगे एप्पल, उसके बाद मैंने ऑरेंज के ऊपर से स्किन निकाल के सिर्फ कली लिया है, उसके बाद डालेंगे द्राक्ष, उसके बाद ब्लूबेरी, उसके बाद डालेंगे हम पेड़ जो बहुत मीठे होते हैं और खाने में भी अच्छा लगता है। तो ढेर सारा फ्रूट्स मैंने डाल दिया है, अभी हम कस्टर्ड को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो लीजिए यहाँ पे हमारा मस्त ठंडा ठंडा फ्रूट कस्टर्ड बन के रेडी हो गया है। और ये कस्टर्ड को फ्रिज में रख के ठंडा ठंडा सर्व कीजिए, खाने की मजा आ जाती है। घर में छोटी मोटी पार्टी हो या मीठा खाने का मन करे तो आप इस तरह से फ्रूट कस्टर्ड बना सकते हो और अपनी मन पसंदगी का फ्रूट्स आप डाल सकते हो। तो लीजिए यहाँ पे हमारा गर्मी के लिए ठंडा ठंडा फ्रूट कस्टर्ड बन गया है। अभी हम दूसरी रेसिपी बनाएंगे, वो है मस्त ढेर सारा फ्रूट्स डाल के श्रीखंड। तो श्रीखंड बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है रेडीमेड दही। वो दही हम एक कथरोट में जारी रख के उसमें कॉटन का क्लॉथ रख के उसमें हम डालेंगे। उसके बाद एक कपड़ा को अच्छे से कवर करके हम ये दही को कोई भी जगह पर लगा देंगे ताकि उसमें जो एक्स्ट्रा पानी रहता है ना वो ना रहे, और एकदम गाढ़ा वाला लचका हमारा रेडी हो जाएंगे। तो इस तरह से दही को अच्छे से कवर करके कोई भी जगह पर आप लटका सकते हो, तो दही में से जो एक्स्ट्रा ढेर सारा पानी होता है ना वो ना रहे। तो यहाँ पे मैं ओवरनाइट ये दही को इस तरह से लगा दूंगी, दूसरे दिन हम श्रीखंड बनाएंगे। तो दूसरे दिन में ये श्रीखंड बना रही हूँ, आप देख सकते हो कितना सारा हमने दही लगाया था, उसमें से आधा से कम जितना हमारा दही रहा है और ढेर सारा पानी निकल गया था। एक कथरोट भर के मैंने तो फेंक दिया था और दूसरी कथरोट भर के हमारा ये पानी है। तो चलिए हम श्रीखंड बनाने के लिए ये कपड़े में से दही का लचका ले लेते हैं। तो आप देख सकते हो एकदम गाढ़ा वाला हमारा दही का लचका बना है। तो श्रीखंड बनाने के लिए आपको अगर गाढ़ा वाला श्रीखंड चाहिए तो दही में पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, तब जाके आपका श्रीखंड एकदम गाढ़ा वाला बनेगा। तो मैंने एक बड़े बाउल में दही का लचका ले लिया है, तो जितना दही का लचका उसके सामने सेम आपको शुगर डालना है। अभी हम डालेंगे उसमें स्वाद के अनुसार इलायची का पाउडर, अभी हम डालेंगे उसमें शुगर। तो जितना दही का लचका उसके सामने उतना मैंने शुगर डाला है। तो शुगर एंड दही को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो श्रीखंड को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अभी हम डालेंगे उसमें ढेर सारा फ्रूट्स। तो एक बड़ा बाउल भर के मैंने लिया है अनार का दाना, उसके बाद मैंने एक बड़ा बाउल भर के लिया है मस्त मीठे वाले चीकू, उसके बाद एक बड़े बाउल भर के लिया है मैंने मस्त मीठी वाली अंगूर। तो बस ये श्रीखंड में हम अनार, चीकू एंड अंगूरी डालेंगे। जो अंगूर बहुत मीठी है, अगर खट्टी वाली अंगूर है ना तो कम डाल सकते हो, बट मैंने अनार, अंगूर एंड चीकू जो फ्रूट्स लिया है ना तीनों मीठा है। और फ्रूट्स डाल के हम श्रीखंड को अच्छे से मिक्स करेंगे।
तो लीजिए, यहाँ पे हमारा गर्मी के लिए ठंडा ठंडा दो टाइप का स्वीट बन के रेडी हो गया। तो आप इस तरह से घर में छोटी मोटी पार्टी हो या मीठा खाने का मन करे तो ये कस्टर्ड एंड श्रीखंड बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड ये रेसिपी आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।